कल सोशल मीडिया पर अचानक से एक खबर वायरल हो गई कि आगामी लोकसभा चुनाव विकास उपाध्याय नहीं लड़ेंगे। विकास उपाध्याय को कांग्रेस ने रायपुर से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है, उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद ये खबर सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल होने लगी और फिर विकास उपाध्याय को फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट करके सफाई देनी पड़ी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये खबर पूरी तरीके से बेबुनियाद है, अफवाह है। असल में विकास उपाध्याय को कांग्रेस ने रायपुर से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है और जो बीजेपी से उम्मीदवार है वो बृजमोहन अग्रवाल है। अफवाह इस कदर फैली कि बृजमोहन अग्रवाल के सामने विकास उपाध्याय ने सरेंडर कर दिया और वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। विकास उपाध्याय वीडियो बनाकर कहते हैं कि फिलहाल मैं दिल्ली में मौजूद हूँ और मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ, इस वजह से और लोकसभा चुनाव को लेकर ये रणनीति चल रही है और इसी बीच मैं रायपुर में उपस्थित नहीं हूँ और एक अफवाह फैल गई है कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, राहुल गांधी जी इस समय भारत न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, अन्याय के खिलाफ हमारे नेता लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी उनके साथ हैं। मुझे बेहद ही खुशी है और कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है, मुझे 3 बार विधानसभा का और इस बार लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, इस वजह से मैं पार्टी का आभारी हूँ और जो ये खबर फैल रही है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा ये बेबुनियादी है, अफवाह है। क्या कहते हैं विकास उपाध्याय वीडियो के माध्यम से, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर पोस्ट किया है, पूरी वीडियो देखिए और सुनिए। नमस्कार साथियों, मैं सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, राहुल गांधी जी का, वेणुगोपाल जी का, सचिन पायलट जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझको रायपुर राजधानी लोकसभा का टिकट दिया। प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज एक तरफ राहुल गांधी जी पूरे देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से बेरोजगारों को न्याय, महंगाई के खिलाफ न्याय, देश में फैली अराजकता के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस न्याय की लड़ाई में मुझको हिस्सेदार बनाकर रायपुर राजधानी के लोकसभा का टिकट दिया है। मैं समझता हूं कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। मैं इसी कांग्रेस पार्टी से 3 बार विधानसभा का टिकट और अब लोकसभा का टिकट पार्टी ने मुझ पर दिया, मुझको मुझ पर विश्वास किया और इस विश्वास पर खरा उतर कर दम से हम लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। साथियों, आप सबसे निवेदन है कि हम सब, मैं परसों 12 तारीख को रायपुर लौट रहा हूं। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सचिव होने के नाते, असम कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज होने के नाते कल असम कांग्रेस पार्टी की सीईसी की बैठक है, उस बैठक में शामिल होने दिल्ली आया हूं। कल मीटिंग खत्म होने के बाद परसों मैं रायपुर लौटूंगा। हम सब लड़ेंगे, बहुत मेहनत करेंगे और जीतेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात साथियों, भारतीय जनता पार्टी और उनकी आईटी सेल के लोग जिस प्रकार से पूरे देश में अफवाहों को गर्म करते हैं, अफवाहों को फैलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने इस बात को कहा है और एक न्यूज ने चलाया है कि विकास उपाध्याय अपनी टिकट वापिस करने गए हैं। किसी को बोलेंगे भी तो कोई विश्वास नहीं करेगा। इसी रायपुर राजधानी से मैं नेता बना हूँ, यही रायपुर राजधानी के लोग मुझको अपना बेटा, अपना भाई, अपना साथी, अपना दोस्त, अपना यार समझते हैं और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को इसका एहसास हो जाएगा कि किस प्रकार से जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ ताकत से लड़ाई लड़ेंगे और हम जीतेंगे।